हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर में एक पूर्व सैनिक की 5 साल की मासूम बच्ची के इलाज न मिल पाने के मामले पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने भी पूर्व सैनिक की बेटी का इलाज न होने पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पूर्व सैनिक विपिन कुमार ने बच्ची का इलाज न किए जाने पर रोष जताते हुए जयराम सरकार में कैबिनेट मंत्री की पोती के इलाज के लिए हेलीकॉप्टर भेजे जाने पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। मैं विपिन, जिसकी बेटी का 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाया, जिस कारण मैंने इलाज अपनी बेटी का प्राइवेट हॉस्पिटल कृष्णा हमीरपुर में करवाया। जब मेरे को एक पढ़े लिखे आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा, मेरी बेटी का इलाज नहीं हो रहा, बेटी 5 साल की ऐसे रो रही है कि मेरे को थर मारी कि मैं बाप होते कौन से हॉस्पिटल में आ गया, कि मेरे पास इतनी हैसियत नहीं कि मैं किसी में ऐसे कराऊं कि वही इलाज मेरी बेटी का टोटली ही 15 मिनट में हो जाता है। जिस इलाज के लिए 2.5 घंटे 3 घंटे मेरे को वेट करना पड़ता है, वही इलाज टोटली 15 मिनट में हो जाता है और मैं 20 मिनट के बाद अपनी गाड़ी को सेल्फ मार के अपनी बेटी को अपने घर ले जाता हूँ। बस यही नोट किया जाए, स्वास्थ्य मंत्री शायद हेल्थ मिनिस्टर हमारे शायद है नहीं हिमाचल में, कि पत्नी मेरे हिसाब से तो है नहीं, पत्नी सीएम साहब खुद ही देख रहे होंगे, तो प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इतना बड़ा देश में संकट आ रहा है, बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, तो उसको कौन देख रहा है? और जो मंत्री हैं उनके बच्चों को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देने का, ताकि गरीब आदमी के बच्चे पीछे सड़ते मरते रहें, और जो मंत्री के बेटे हैं मंत्री के बेटे के लिए आप कुछ भी कर दो, और जो किसी नॉर्मल आदमी का बेटा है उसके लिए आप एक एम्बुलेंस भी। याद रहे कि 3 दिन पहले कक्कड़ के पूर्व सैनिक विपिन कुमार अपनी 5 साल की बेटी आरुषि को लेकर हमीरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। बच्ची की टांग में 2 फ्रैक्चर आए थे और सुजानपुर से रेफर की गई थी, लेकिन करीब 2 घंटे तक दर्द से तड़पती हुई बेटी को किसी भी डॉक्टर के द्वारा इलाज न किए जाने पर पूर्व सैनिक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था, जिस पर डॉक्टर भी इलाज करने की बजाय बाहर भागते हुए दिखे थे। बाद में निजी अस्पताल में पूर्व सैनिक ने बच्ची का इलाज करवाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इलाज के लिए नियम सभी के लिए एक समान होने चाहिए। अगर मंत्री की पोती के लिए हेलीकॉप्टर आता है तो आम जनता के लिए वैसी ही सुविधा मिलनी चाहिए। देखिए, मानवता की बात होती है, जीवन बचाना सबसे बड़ी महत्वता होती है। हम राजनीतिक जीवन में चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित है, हमारे लिए एक व्यक्ति का जीवन बचाना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी के जीवन को बचाने के लिए अगर कई बार सरकारी अगर हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है तो दूसरे लोग जो है उनके लिए भी सरकारी हेलीकॉप्टर का प्रयोग होना चाहिए, तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन औरों के लिए भी ऐसी सुविधा हमें आगे वाले समय में लानी चाहिए। मेरा ये मानना है कि आम आदमी के लिए भी इस प्रकार की हेली टैक्सी सेवा और हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए। उधर सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचने वाले सभी मरीजों का इलाज किया जाता है और बच्ची के इलाज के लिए किसी डॉक्टर ने लापरवाही की है इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, हॉस्पिटल में जो आया है वो ट्रीटमेंट के लिए ही आया है, ट्रीटमेंट तो उसको मिलना ही चाहिए, बट मामला मेरी नॉलेज में नहीं है। और मोर ओवर ये मेडिकल कॉलेज का मामला है, मेडिकल कॉलेज से डील हुआ है, वहाँ MS साहब ने उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया की है आई कैन नॉट से इट, क्योंकि इट डायरेक्टली कम्स अंडर मेडिकल कॉलेज। बट उस केस में स्पेसिफिकली क्या हुआ एंड व्हाई इट वाज नॉट अटेंडेड, या बिकॉज आई डोंट हैव एनी क्लियर कट नॉलेज अबाउट द केस, तो मैं तो वैसे जैसा कि आप बोल रहे हैं उसके आधार पर बोल रही हूँ, आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट, उसके ऊपर मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।